बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स फॉर अल्लाह सुब्हान व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम आपके लिए एक और पैराग्राफ लेकर आए हैं जो कि मौजूदा मुल्की सूरत हाल के तनाजर में नहायत ही अहम पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में ना सिर्फ आप नए नए लफ्ज़ सीखेंगे बल्कि आप कुछ नए इडियम्स भी सीखेंगे और सेंटेंसेस की फॉर्मेशन के साथ साथ आपको नई चीज़ें, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। तो पैराग्राफ को हम पहले पढ़ लेते हैं, बड़ा दिलचस्प पैराग्राफ है। देखिए, ऐसी बदनज़मी की सूरत हाल में मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है। अवाम जमहूरियत की बालादस्ती चाहते हैं जबकि एस्टेब्लिशमेंट अपनी अमलदारी से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं। मुल्क दिवालिया होने के किनारे खड़ा है, के धाने पर खड़ा है या के किनारे खड़ा है। अवाम दोहरी मुश्किल में फंसी हुई है, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तो ये हमारे पास पैराग्राफ है। पहले हम इसके वर्ड्स देख लेते हैं जो आपके लिए कुछ मुश्किल हो सकते हैं। तो बदनज़मी, बदनज़मी के लिए हम के ऑस का वर्ड भी यूज़ करते हैं, के ऑस। तो जब बदनज़मी की सूरत होगी तो के ऑटिक सिचुएशन हम लिखेंगे, के ऑटिक सिचुएशन। एक तो ये हो सकता है इसका, ठीक है। टुमल्चुअस, टुमल्चुअस भी कह सकते हैं हम सिचुएशन को। तो टुमल्चुअस सिचुएशन, ये इसके स्पेलिंग है टुमल्चुअस सिचुएशन, टुमल्चुअस। ये टुमल्चुअस सिचुएशन भी हम कह सकते हैं इसको, ठीक है जी। केओटिक सिचुएशन या टुमल्चुअस सिचुएशन। तो सूरत हाल सिचुएशन हो गई और बाकी तो इसमें कोई मुश्किल वर्ड नहीं है। तो अवाम जमहूरियत, जमहूरियत की बालादस्ती, ठीक है जी। जमहूरियत की बालादस्ती क्या होती है? सुपरमेसी ऑफ, सुपरमेसी ऑफ डेमोक्रेसी, ये सुपरमेसी होगी, सुपरमेसी ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत की बालादस्ती चाहते हैं। जबकि वायल, जबकि के लिए क्या वर्ड यूज होता है? वायल, वायल, ठीक है जी। एस्टेब्लिशमेंट के लिए एस्टेब्लिशमेंट का वर्ड ही यूज होता है, इंतजामिया, अमलदारी, अथॉरिटी, ठीक है जी। अथॉरिटी, अथॉरिटी जो वो वील्ड करते हैं, जो अथॉरिटी वो चलाते हैं। दस्तबरदार होना, दस्तबरदार होना क्या होता है? किसी काम को गिव अप कर देना, क्विट कर देना, गिव अप, ठीक है जी, गिव अप कर देना, क्विट कर देना किसी काम को। रिलिंक्विश, रिलिंक्विश, ये भी आप यूज कर सकते हैं वर्ड, वो आपकी मर्जी है, चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है वो आपका अपना होता है। तो होने को तैयार नहीं है, नॉट विलिंग टू डू, नॉट, नॉट विलिंग, नॉट विलिंग, ठीक है जी। तो तैयार नहीं है, नॉट विलिंग है, ठीक है जी। दिवालिया आपको पता है कि क्या होता है? डिफॉल्ट, डी फॉल्ट, डिफॉल्ट होता है दिवालिया। और के किनारे खड़ा है, ठीक है जी, दिवालिया होने के किनारे खड़ा है या के धाने पर खड़ा है। ऑन द कस्प ऑफ, ऑन द कस्प ऑफ, सी यू एस पी, कस्प, ऑन द कस्प ऑफ, या आप लिख सकते हैं ऑन द एज ऑफ, ठीक है जी, ऑन द ब्रिंक ऑफ, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो ऑन द कस्प ऑफ, तो यहाँ पे इडियम यूज होगा वहां दोहरी मुश्किल, ठीक है जी, दोहरी मुश्किल में फंसी हुई है, ठीक है जी। तो दोहरी मुश्किल क्या होती है? एक तो होती है डायलिमा, डायलिमा, ठीक है जी, ये भी दोहरी मुश्किल को कहते हैं। और दूसरा हम कर सकते हैं बिटवीन द डेवल एंड द डीप सी, बिटवीन द डेवल, बिटवीन द डेवल एंड द डीप सी, डीप सी। तो ये भी दोहरी मुश्किल के लिए इडियम हम यूज करते हैं, बिटवीन द डेवल एंड द डीप सी। फंसी हुई है कार्ट अप, कार्ट अप, कार्ट अप, फंसी हुई है, ठीक है जी, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता।
तो देर इज नो वे, देर सीम्स टू बी नो वे आउट, ठीक है, नहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो दिखाई नहीं देता, सीम्स टू बी, सीम्स टू बी। तो ये हमारे पास है मुश्किल अल्फाज के मीनिंग हो गए। अब हमें इसकी ट्रांसलेशन में मुश्किल पेश नहीं आएगी, हम आसानी के साथ इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। तो ऐसी बदनज़मी की सूरत हाल में मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है, क्वेश्चन है ये, हाउ अ कंट्री कैन मेक प्रोग्रेस, हाउ अ कंट्री कैन मेक प्रोग्रेस, मेक प्रोग्रेस, हाउ अ कंट्री कैन मेक प्रोग्रेस इन सच अ टमल्टुअस सिचुएशन, इन सच अ केओटिक सिचुएशन, इन सच अ ऐसी, इन सच अ केओटिक सिचुएशन, केओटिक लिख लें, टमल्टुअस लिख लें, केओटिक सिचुएशन। तो ऐसी बदनज़मी की सूरत में, यानी डिसऑर्डरली भी कह सकते हैं आप, डिसऑर्डरली, केओटिक, अगर आपको ये वर्ड मुश्किल लगते हैं तो डिसऑर्डरली, डिसऑर्डरली ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं, डिसऑर्डरली सिचुएशन, ठीक है जी। हाउ अ कंट्री कैन मेक प्रोग्रेस इन सच अ केओटिक सिचुएशन, इन सच अ डिसऑर्डरली सिचुएशन, इन सच अ टमल्टुअस सिचुएशन। तो आगे देखिए, अवाम जमहूरियत की बालादस्ती चाहते हैं, तो पीपल वांट, पीपल वांट जमहूरियत की बालादस्ती चाहते हैं, पीपल वांट सुपरमेसी ऑफ, सुपरमेसी ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। तो पीपल वांट सुपरमेसी ऑफ डेमोक्रेसी वाइल, जबकि, वाइल जबकि, वाइल द एस्टैब्लिशमेंट, 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 जबकि एस्टैब्लिशमेंट क्या चाहती है, अपनी अमलदारी से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं। एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट विलिंग, इज नॉट विलिंग, एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट विलिंग टू गिव अप, गिव अप इट्स अथॉरिटी, अथॉरिटी। आप बाकी इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, रिलिंक्विश कर सकते हैं, गिव अप कर सकते हैं, तो अथॉरिटी को छोड़ना नहीं चाहती। तो जबकि एस्टैब्लिशमेंट अपनी अमलदारी से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है, वाइल द एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट विलिंग टू गिव अप, गिव अप, गिव अप इट्स अथॉरिटी। यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मुल्क दिवालिया होने के किनारे खड़ा है, ये किनारे, मुल्क दिवालिया होने के किनारे खड़ा है या दहाने पर खड़ा है। द कंट्री, द कंट्री, द कंट्री इज, खड़ा है की जरूरत नहीं है, द कंट्री इज ऑन द, ऑन द कस्प ऑफ, कस्प ऑफ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट, ये स्पेलिंग इसकी मैं दुरुस्त कर देता हूं। द कंट्री इज ऑन द कस्प ऑफ डिफॉल्ट, मुल्क कहां पे खड़ा है, मुल्क दिवालिया होने के किनारे खड़ा है। द कंट्री इज ऑन द कस्प ऑफ डिफॉल्ट, अगर स्टैंडिंग भी लिख लेंगे फिर भी कोई गलती नहीं होगी, द कंट्री इज स्टैंडिंग ऑन द कस्प ऑफ डिफॉल्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। अवाम दोहरी मुश्किल में फंसी हुई है, तो क्या है अवाम, क्या होती है अवाम, मासेस, पब्लिक, पब्लिक,
पब्लिक इज कार्ट, idiom यूज कर लेते हैं, पब्लिक इज कार्ट बिटवीन द डेवल एंड कार्ट अप यूज कर सकते हैं, द पब्लिक इज कार्ट अप बिटवीन द डेवल एंड द डीप सी, डीप सी। अब हम दोहरी मुश्किल में फंसी हुई है, द पब्लिक इज कार्ट अप बिटवीन द डेवल एंड द डीप सी, अवाम दोहरी मुश्किल में फंसी हुई है, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, देयर इज नो वे, देयर सीम्स टू बी नो वे आउट, तो कोई रास्ता सुझाई नहीं देता या दिखाई नहीं देता। तो ये हमारे पास पैराग्राफ था, तो इसकी हमने ट्रांसलेशन की है, देखें एक दफ़ा एक तो इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। ए ऐसी बदनज़मी की सूरत हाल में मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है, हाउ अ कंट्री कैन मेक प्रोग्रेस इन सच अ केओटिक सिचुएशन, इन सच अ टमल्चुअस सिचुएशन, इन सच अ डिसऑर्डरली सिचुएशन। अवाम जमहूरियत की बालादस्ती चाहते हैं, पीपल वॉन्ट सुपरमेसी ऑफ डेमोक्रेसी, जबकि एस्टेब्लिशमेंट अपनी अमलदारी से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं, वाइल द एस्टेब्लिशमेंट इज नॉट विलिंग टू गिव अप इट्स अथॉरिटी। मुल्क दिवालिया होने के किनारे खड़ा है, द कंट्री इज ऑन द कस्प ऑफ डिफॉल्ट, द कंट्री इज स्टैंडिंग ऑन द कस्प ऑफ डिफॉल्ट, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अवाम दोहरी मुश्किल में फंसी हुई है, पब्लिक इज कार्ट अप बिटवीन द डेवल एंड द डीप सी, अवाम दोहरी मुश्किल में फंसी हुई है। उसके बाद देखिए, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, देयर सीम्स टू बी नो वे आउट, There seems to be no way out। तो ये हमारा पैराग्राफ हो गया, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो फिल वक्त आज की इस मुख्तसर सी वीडियो से हम इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।